अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी नासिफ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनबॉक्सिंग करूँगी आज की वीडियो में। कलर्स ऑफ जूटी की तरफ से ये प्यार पैकेज मुझे रिसीव हुआ था, तो इसकी आज अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बनाई है। कलर्स ऑफ जूटी की तरफ से ये मेरा फर्स्ट प्यार पैकेज है, तो लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं कि इस पार्सल के अंदर मुझे क्या रिसीव हुआ है, उन्होंने क्या क्या भेजा है। सबसे पहले मुझे उनका कार्ड मिला है। कार्ड के अंदर उनके जो CEO है अम्मारा, उनका नाम मेंशन है और इसके साथ ही एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है वो भी हम ओपन करेंगे। तो चलें हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत अच्छे से पैकिंग की गई है इसकी, ताकि कोई प्रोडक्ट टूटे ना, ख़राब ना हो। तो बहुत अच्छे से इसको रैप किया गया है और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मुझे 3 इनके आई शेडो रिसीव हुए हैं। इंटरफेरेंस है और ये स्पार्किंग डस्ट है इनकी, और इसके साथ ही मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिला है जिसके ऊपर 38 नंबर मेंशन है। और इसके अंदर क्या है ये तो अभी मुझे नहीं पता कि 38 नंबर की कोई इन्होंने मुझे बेस दी है या क्या है, लेकिन इसके जो बैग है, बैग पे लिखा हुआ है फाउंडेशन, पेन केक, ब्लश ऑन और फिक्सर, यानी कि लूज़ पाउडर। तो ये एक छोटी सी पैकेजिंग के साथ शायद इन्होंने इसके अंदर एक साथ ही दिया है, तभी चारों चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद ये इस तरीके से चारों चीज़ें आपस में इन्होंने पैक करी हुई हैं, तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा पैकेजिंग का तरीका। 38 नंबर बॉक्स के ऊपर लिखा है और जो फाउंडेशन है वो भी 38 नंबर की है। इसमें उन्होंने मुझे 38 नंबर का फाउंडेशन भेजा है, उसी के हिसाब से पेनकेक भेजा है और लूज़ पाउडर भेजा है। तो 38 नंबर के उन्होंने पूरी मुझे एक बेस की रेंज भेज दी है और इसी के साथ ही ब्लश ऑन भी। इसको भी हम अभी ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसी हैं। तो चलें यहाँ पर इनकी जो इंटरफेरेंस है उनको हम देखते हैं। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ओवरऑल मुझे इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो पैकिंग है, हर चीज़ मुझे हर लिहाज से बहुत परफेक्ट लगी। सबसे अच्छी बात कि हर चीज़ पीछे मेंशन की गई है। इसके ऊपर जो इसका नंबर मेंशन है वो नंबर है 01। एक्सपायरी भी मेंशन की गई है और मैन्युफैक्चर डेट भी इसके साथ ही इन्होंने मेंशन कर दी है। तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो भी जाए तो हमें मालूम चल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। पैकेजिंग में हर चीज़ मेंशन की गई है। पहला जो मुझे शेड मिला है इनका इंटरफेरेंस वो है वाइट सिल्वर से कलर का इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट जो है इनका वो ग्रीन से कलर का इंटरफेरेंस है, और ग्रीन भी बहुत अच्छा वाला ग्रीन है, थोड़ा सा जो गोल्ड के अंदर होता है ना वो वाला ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर है। और जो थर्ड इनका इंटरफेरेंस मुझे मिला है वो है पिंक कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा ये पिंक है इंटरफेरेंस। तो इनके स्वैचेस में भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये इनकी स्पार्किंग डस्ट मुझे मिली है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने इसको ओपन किया तो बहुत ज़्यादा इसकी एक अलग ही चीज़ नज़र आई कि बहुत ज़्यादा ये जैसे पिगमेंटेड होगी। तो चलो मैं इसके स्वैचेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लाइट से मैंने ये वाइट कलर का इंटरफेरेंस लिया है और वाओ देखिए कितनी अच्छी इसकी पिगमेंट है। हल्का सा मैंने सिर्फ अपने फिंगर के ऊपर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एक ग्रीन कलर आप लोग के सामने लगाती हूँ और देखते हैं कि इसकी पिगमेंट कैसी है। तो जनाब ग्रीन कलर की भी आप पिगमेंट देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितना प्यारा सा ग्रीन कलर है, खूबसूरत सा जो ग्रीन कलर होता है ना ये वो वाला ग्रीन है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये ग्रीन कलर। इसके साथ ही अब मैं पिंक कलर के स्वैच आपके साथ शेयर करूंगी और वाओ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये इसके अंदर कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ मेरा जो नॉर्मल कैमरा है मोबाइल का उसी के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इन शेड्स की पिगमेंट देख सकते हैं बगैर विदाउट फिल्टर के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तीनों इंटरफेरेंस के कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, वो वाइट, ग्रीन, पिंक, तीनों कलर बहुत ही औसम है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है इनका, इतना ज़्यादा मैंने रगड़ा भी नहीं है और बिल्कुल लाइट से मैंने स्वैचेस किए हैं आपके सामने। और जो तीनों चारों चीज़ें मुझे मिली हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी बहुत जल्द। और इसका जो लूज़ स्पार्किंग डस्ट मुझे मिली थी वो भी आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त। इसके बाद जो मुझे ये इनकी चार चीज़ें और मिली हैं, बेस है इसके अंदर, फाउंडेशन और लूज़ पाउडर है, पेनकेक है, ब्लश ऑन है, तो इसका भी रिव्यू बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं बनाकर शेयर करूंगी, क्योंकि जो बेस है वो मैं अप्लाई करूंगी और इसका पूरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से इनकी बेस को यूज़ किया जाता है, कैसा इसका रिज़ल्ट है। तो ये थी आज की मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो। ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी।
पिगमेंट बहुत अच्छी लगी इंटरफेरेंस की, और जो इनकी पैकेजिंग है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे से हर चीज़ मेंशन की गई है और हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन की गई है। तो आई होप मेरी आज की अनबॉक्सिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कलर्स ऑफ ब्यूटी, जो आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा पार्सल भेजा, इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सी प्रोडक्ट्स भेजी। इनके आईडी और तमाम लिंक्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जितने भी इंटरफेरेंस इनके मुझे मिले हैं, इनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करके मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।